बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम बिस्मिल्लाम्असल डियर स्टूडेंट्स आज हम यूनिट थ्री के नोमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे देखते हैं कि फिर फर्स्ट नोमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट नोमेरिकल में कुछ इस तरह से है एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन सेकेंड एंड थर्ड से इस क्वेश्चन में आपको सिंपली एक ऑब्जेक्ट गिवन है जो कि एक फ्री फॉल के मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड सपोज ये है, इसकी हम, जब भी वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट आप लेते हैं, तो उसकी आप करते हैं. ये कहीं पर था, और फिर इसने अपनी डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट की क्योंकि ये फ्री फॉल में है तो इसका जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा वो होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और उसकी वैल्यू आप लेंगे पर सेकंड स्क्वायर क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा अब आपसे ये कहा गया कि जब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो आप बताएं कि इसने जब अपनी मूवमेंट स्टार्ट की तो इस स्टार्टिंग मोमेंट के बाद जब सेकेंड सेकेंड का टाइम आया, यानी दूसरा सेकेंड उसके ट्रेवल का गुजरा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा और फिर इसी तरह जब वो फर्दर और नीचे आया और थर्ड सेकंड का टाइम क्रॉस हुआ तो इस थ्री सेकेंड के टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है यानी उसका डिस्टेंस ट्रेवल इन फाइव यहाँ मैं रिपीट करूंगी यानी उसका डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड सेकेंड एंड इन थर्ड सेकेंड आपने कैलकुलेट करना है इसमें अगर आप अपना गिवन डाटा नोट डाउन करें तो सिंपली इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है जीरो मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपने कैलकुलेट क्या करना है आपने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन सेकेंड सेकेंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड इसको सॉल्व करने के लिए आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे वो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क् इसमें ये जो टर्म है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी जीरो क्योंकि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो गिवन है सो so, जब आप इसे लिखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्रेशन को आपने g से रिप्लेस कर दिया क्योंकि इस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है फिर आपने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस इन सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम फर्स्ट सेकेंड का भी कैलकुलेट करेंगे कि जब उसने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की तो इन फर्स्ट सेकेंड उसने कितना डिस्टेंस कवर किया फिर सेकेंड सेकेंड और फिर थर्ड सेकेंड फर्स्ट का हमने क्यों कैलकुलेट करना है जब मैं डेरिवेशन करूंगी तो साथ साथ आपको बताऊंगी पहले हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया इसको हम ले लेते हैं एस वन और हाफ जी की वैल्यू है नाइन पॉइंट एट और टी हमारे पास क्योंकि फर्स्ट सेकेंड हमने टाइम लिया है तो एस रिपीट करूंगी तो टाइम की वैल्यू हम वन सेकेंड पुट करेंगे एस वन जब आपने कैलकुलेट किया तो सिंपली इसमें एट को आपने टू से डिवाइड किया तो एस वन आ जाएगा फोर पॉइंट नाइन मीटर ये वो डिस्टेंस है जो इस फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ने विद इन फर्स्ट सेकेंड कवर किया होगा अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकेंड सेकेंड का जो डिस्टेंस है वो कवर करवाते हैं जी कितना कवर होगा सेकेंड सेकेंड में आप डिस्टेंस ले लें एस टू अगेन ये टर्म तो जीरो ही होनी थी अगेन यही आप यूज करेंगे हाफ जी की वैल्यू है टाइम अब आपके पास क्योंकि सेकेंड सेकेंड क्रॉस हो रहा है यानी दूसरा सेकेंड क्रॉस हो रहा है तो टाइम हो जाएगा टू सेकेंड्स अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एस टू की वैल्यू आएगी वो आएगी नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर सो अब अगर आप देखें तो इन दोनों जो वैल्यूज हैं एस वन और एस टू इसको जरा इधर देखते हैं जब ये इस ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट स्टार्ट की और फर्स्ट सेकेंड गुजरा तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया था वो था 4.9 मीटर सो डिस्टेंस कितना कवर हो गया जी 4.9 मीटर अब जब दूसरा सेकेंड क्रॉस हुआ यानी ओवरऑल आप अगर देखें तो जब सेकेंड सेकेंड क्रॉस हुआ तो जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है यहां से लेकर यहां तक वो है 19.6 मीटर ये जो डिस्टेंस आया है ये टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टिल द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड सेकेंड लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा कि इन सेकेंड सेकेंड यानी जब फर्स्ट सेकेंड के बाद दूसरा सेकेंड स्टार्ट हुआ तो इसके अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया सो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप इस टोटल 19.6 वाले डिस्टेंस को फर्स्ट सेकेंड के डिस्टेंस में से अगर सब्ट्रेक्ट करेंगे देन यू विल गेट द डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड सेकेंड मैं इसको रिपीट कर देती हूं आपने फर्स्ट सेकेंड का टाइम क्यों कैलकुलेट किया यहां मैं रिपीट करूंगी आपने फर्स्ट सेकेंड का डिस्टेंस क्यों कैलकुलेट किया उसकी रीजन ये है कि आपने जब फर्स्ट सेकेंड का डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो वो तो आया 4.9 मीटर अब जब आपने दो सेकेंड के बाद डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो ये जो डिस्टेंस आपके पास आया है ये स्टार्टिंग पोजीशन का डिस्टेंस है यानी स्टार्टिंग पोजीशन से कंप्लीशन ऑफ सेकेंड सेकेंड तक उसका टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है नाइनटीन मीटर अब आपने ड्यूरिंग दिस सेकेंड जो कि है सेकेंड सेकेंड इसमें कितना डिस्टेंस कवर होगा वो इस कंप्लीट डिस्टेंस में से आप इस डिस्टेंस को सब्टेक्ट कर देंगे सो so, अब आप जो पार्ट में आपने फर्स्ट पार्ट में जो कैलकुलेशन करनी है वो है डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड सेकेंड इन सेकेंड सेकेंड नॉट फ्रॉम द स्टार्ट टिल सेकेंड सेकेंड इसमें आपके पास जो वैल्यू होगी वो इन दो को सब्ट्रैक्ट करने से आएगी 19.6 मीटर माइनस फोर जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 15 मीटर सो so, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट जो कि है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड सेकेंड उसका आंसर है सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड को भी अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप इसी तरह कैलकुलेट करेंगे आप पहले लिखें जी डिस्टेंस इन हम सिंपली लिख लेते हैं इन थर्ड सेकेंड जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा एस थ्री जो के ऑब्वियसली हम इसी इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे हाफ जी टी स्क् इसमें हाफ जी की वैल्यू है नाइन पॉइंट एट और टी की वैल्यू आप थ्री पुट करेंगे थर्ड सेकेंड के लिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो s3 आ जाएगा 44.1 मीटर अगेन ये वही डिस्टेंस होगा जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहां तक तो सेकेंड सेकेंड था अब अगर आप थर्ड सेकेंड भी गुजारते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एट द एंड ऑफ थर्ड सेकेंड जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो है 44.1 और अगर आपने ड्यूरिंग थर्ड सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे आप लिखेंगे पहले तो डिस्टेंस इन थर्ड इसके लिए यहां तक जो ये डिस्टेंस है ये है सेकेंड सेकेंड की कंप्लीशन तक अब इससे आगे आपने यहां तक जो के है थर्ड सेकेंड तक का डिस्टेंस ये वाला इंटरवल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आप इस टोटल डिस्टेंस की वैल्यू में से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप लिखेंगे एस थ्री माइनस एस टू एस थ्री की वैल्यू है आपके पास फोर्टी फोर पॉइंट वन और एस टू की आपने कैलकुलेट की थी नाइनटीन पॉइंट सिक्स इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट ट्वेंटी फाइव मीटर सो आपका जो ये डिस्टेंस है एस थ्री माइनस एस टू बेसिकली दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड ये जो डिस्टेंस आता है जब आप टी की वैल्यू थ्री सेकेंड पुट करते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर कम्पलीशन ऑफ थर्ड सेकेंड तक का टोटल डिस्टेंस होता है और आपने ड्यूरिंग थर्ड सेकेंड इंटरवल अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो जो टोटल डिस्टेंस होगा उसमें से आप सेकेंड सेकेंड तक वाले डिस्टेंस को विच इज नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये था आपके पास फर्स्ट नोमेरिकल जिसमें आपने सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके डिस्टेंस की वैल्यूज कैलकुलेट की फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि आज के सेकेंड नोमरिकल की स्टेटमेंट क्या है जी डियर स्टूडेंट सेकेंड नोमेरिकल की स्टेटमेंट हेलीकॉप्टर से रिलेटेड है इसमें कहा गया है अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड यानी एक हेलीकॉप्टर वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है और उसकी जो स्पीड है वो है 19.6 मीटर पर सेकेंड अब इस हेलीकॉप्टर की जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो है 156.8 मीटर और इस मूव करते हुए हेलीकॉप्टर से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया जब स्टोन को ड्रॉप किया गया एट दिस हाइट एंड द हेलीकॉप्टर वॉज मूविंग विद्स मीटर पर सेकेंड तो आप बताएं कि उस स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इस सिचुएशन को पहले थोड़ा आप समझ लें सपोज करें कि ये आपका वो हेलीकॉप्टर है जो कि वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड और इसकी ग्राउंड से जो हाइट है जिस मोमेंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस मोमेंट पर इसकी हाइट है 156.8 मीटर अब यहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया और ये कंटिन्यूसली अपवर्ड मूव कर रहा है जब स्टोन को आप ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा होगा ये कि स्टोन को जब आपने ड्रॉप किया तो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी भी उस स्टोन में इंक्लूड हो जाती है और आपका हेलीकॉप्टर किस तरफ मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड तो स्टोन भी पहले थोड़ा सा अपवर्ड जाएगा और उसके बाद वो अपनी डाउनवर्ड मूवमेंट को स्टार्ट करेगा अब इस सिचुएशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं कुछ जगहों पर आप देखेंगे कि पॉइंट ए अगर हम इसे लेते हैं फिर पॉइंट बी फिर इसकी डाउनवर्ड मूवमेंट सारी इस तरह कैलकुलेट की जाती है स्टेप बाय स्टेप लेकिन मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को इमेजिन करके उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगी अगर हमने इस सिचुएशन पर कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाना है तो उसके लिए हम इस हेलीकॉप्टर की पोजिशन को ओरिजिन ले लेते हैं अगर ये हमारा ओरिजन है तो हम असाइन करते हैं कि इससे जो ओरिजन से अपवर्ड जाते हुए हमारे पैरामीटर्स होंगे वो हम लेंगे नेगेटिव और इससे जो नीचे पैरामीटर इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो पैरामीटर्स होंगे उन्हें हम लेंगे पॉजिटिव अब इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो आपके हेलीकॉप्टर की स्पीड है वो है वर्टिकली अपवर्ड सो इसके डाटा को जब आप लिखेंगे तो यू विल टेक इट एज नेगेटिव क्योंकि हमने एज ओरिजन हेली को और इससे अपवर्ड जो हमारे एक्सेस बनेंगे या मूवमेंट्स बनेंगी उन्हें हम नेगेटिव लेंगे और वो पैरामीटर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है स्टोन तो जो इसमें ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होगा वो भी ऑब्वियसली डाउनवर्ड होगा उससे आप पॉजिटिव में लिखेंगे डिस्टेंस भी उसका जो गिवन है वो हमारा ग्राउंड से हेली तक का डिस्टेंस गिवन है सो इसको भी आप पॉजिटिव ही लिखेंगे ये आपके पास डाटा है अब आपने जो चीज इसमें कैलकुलेट करनी है वो ये कि स्टोन ने ड्रॉप होने के बाद ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम कंज्यूम किया इसके लिए हम ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे इसमें आपको डाटा ऑलमोस्ट सारा गिवन है एस की वैल्यू गिवन है 156.8 वी आई हमें माइनस में अब हम इसको यूज करेंगे माइनस नाइनटीन पॉइंट सिक्स टी प्लस हाफ जी की वैल्यू है नाइन पॉइंट एट टी इसमें जब आप इसको टू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस फोर पॉइंट नाइन टी करें तो ये टी स्क्वायर है ये टी है और ये सिंपल एक नंबर है तो इसमें आपको कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम थोड़ा सा अब अरेंज करते हैं अरेंज करने के लिए एक तो हम इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से रीअरेंज होगी ये हमने एज इट इज लिखा सिंपली इस पॉजिटिव टर्म को मैंने पहले लिख लिया और नेगेटिव को मैं सेकेंड नंबर पर लिखूंगी ये भी जब राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हुआ तो इट विल बी माइनस वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट एट इक्वल टू जीरो अब इसमें से जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से आपने 4.9 को कॉमन ले लेना है 4.9 आपने कॉमन लिया तो ये आया टी से जब 4.9 आप कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 4t टी माइनस वन अब 4.9 को हमने खत्म करना है तो हम इस पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट फोर से डिवाइड करेंगे जैसे ही आपने डिवाइड किया तो आपके पास ये वाला फैक्टर जब डिवाइड होगा 4.9 से तो ये बनेगा 32। अब आपके पास एक सिंपल कॉडेटिक इक्वेशन बन गई अब हमने इसमें सिंपली पेयर्स बनाने हैं अगर ये आपके पास इससे मल्टीप्लाई होकर दे रहा है माइनस थर्टी टू टी तो आप जो पेयर यूज करेंगे वो एट फोर्स आर थर्टी टू वाला पेयर यूज करेंगे So, इसके लिए ये है माइनस थर्टी टू टी स्क् सो आप जो फैक्टर्स इसके अब बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे माइनस एट टी प्लस फोर टी माइनस थर्टी टू क्योंकि ये माइनस में इसलिए लिया कि जब आप एट और फोर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थर्टी टू टी आएगा और जब आप इस फोर टी और एट टी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस फोर्टी आना चाहिए था सो so, अब इसमें से जो पहले दो हैं, इनमें से आप टी को कॉमन लेंगे टी माइनस एट आएगा इस वाले में से आप फोर को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा टी माइनस एट अब आपने फैक्टर्स बना लिए इन्हें कंबाइन करेंगे इस पहले वाला जो फैक्टर है टी प्लस फोर इसको जब आपने जीरो इक्वेट किया तो टाइम आया माइनस फोर सेकेंड्स और इसको जब आपने किया टी माइनस एट इक्वल टू जीरो तो टाइम आया प्लस एट सेकेंड अब आप जानते हैं कि टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता सो टाइम अगर नेगेटिव में नहीं होता तो आप इसको इग्नोर कर देंगे और जो पॉजिटिव में टाइम है उसे आप अपना आंसर कंसिडर करेंगे सो ये आपके पास आंसर होगा और देखते हैं कि third की क्या है? जी डी स्टूडेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो अच्छी खासी लेंथी स्टेटमेंट है लेकिन आपने परेशान नहीं होना क्योंकि इसका सोल्यूशन उतना ही सिंपल है अकार मूविंग एट ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड या सेवेंटी टू किलोमीटर पर आर क्रैशेज इन टू अ ट्री यानी कार मूव करते हुए एक ट्री को हिट करती है और फिर रेस्ट पर आ जाएगी अब जब उसने ट्री को हिट किया तो उस दौरान क्या हुआ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन अ पैसेंजर ऑफ मैस 70 के जी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अब उस कार में जो पैसेंजर था उसका मैस गिवन है 70 केजी। अब आपने ये बताना है कि जब उसने ट्री को हिट किया तो इस प्रोसेस में जो इसके मैस सेवेंटी के जी पर एवरेज फोर्स अप्लाई होगी वो कितनी होगी लेकिन इस एवरेज फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो डिफरेंट सिचुएशन गिवन है फर्स्ट सिचुएशन है द पैसेंजर इज नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट ही इज ब्रॉड टू रेस्ट बाय अ कोलिजन विद द विंडशील्ड एंड द डैशबोर्ड दैट लास्ट टू मिली सेकेंड इस पार्ट ए का मतलब यह है पैसेंजर ने कोई भी सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी और जब ये कोलिजन हुआ तो उस पैसेंजर ने गाड़ी के जो विंडशील्ड और डैशबोर्ड है उसको जब हिट किया तो उस पर जो फोर्स अप्लाई हुई वो विद इन टू मिली सेकेंड अप्लाई हुई यानी एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में उस पर ये फोर्स अप्लाई हुई अब हम पार्ट टू को देखते हैं उसमें कहा गया द कार इज इक्विप्ड विद अ पैसेंजर साइड एयर बैग यानी इसमें यह है कि जब कोलिजन हुआ तो पैसेंजर के सामने एयर बैग ओपन हो गया अब इसमें क्या है जी द फोर्स ड्यू टू दैग एक्ट फॉर फोर्टी फाइव मिली सेकेंड ब्रिंगिंग पैसेंजर टू रेस्ट अब इसमें आप जरा टाइम पर गौर करें इसमें जो टाइम फोर्स के अप्लाई होने का है वो है फोर्टी फाइव और इसमें जो टाइम है वो है टू मिली सेकेंड इसमें फोर्टी फाइव मिली सेकेंड ऑब्वियसली बिगर टाइम है और टू मिली सेकेंड हमारा स्मॉलर टाइम है सो so, जब आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही है तो अगर वही फोर्स सपोज कर लें दोनों सिचुएशन में फोर्स है 100 न्यूटन 100 न्यूटन फोर्स अगर 2 मिली सेकेंड के लिए फौरन ही आपके बॉडी पर अप्लाई हो जाए या वही 100 न्यूटन की फोर्स 45 फाइव मिली सेकेंड में आहिस्ता आहिस्ता करके आपके बॉडी पर अप्लाई हो तो दोनों सिचुएशन में आप किस सिचुएशन में ज्यादा हर्ट होंगे ऑब्वियसली जब हंड्रेड न्यूटन फोर्स टू मिली सेकेंड वाले टाइम में फौरन ही आपके बॉडी पर अप्लाई हो जाएगी तो आप ज्यादा हर्ट होंगे लेकिन अगर वही हंड्रेड न्यूटन की फोर्स एक टाइम के लिए आहिस्ता आपके बॉडी पर अप्लाई होगी तो उसका डैमेज या उससे आप रिपीट करूंगी तो उसका डैमेज कम होगा आप कम हर्ट होंगे सो so, इन दोनों सिचुएशंस में टाइम के डिफरेंस के साथ साथ आपने कैलकुलेट करना है कि उस पैसेंजर पर जिसका मैस था 70 केजी, उस पर कितनी फोर्स अप्लाई होगी। इसके लिए आप अगर डेटा नोट करें तो सिंपली आपको कार की जो वेलोसिटी गिवन है वो है वो ट्वेंटी रिपीट करूंगी वो है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड और कार क्योंकि कोलिजन के बाद रेस्ट पर आ गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो और पैसेंजर का मैस गिवन है दैट अब आपने पैसेंजर पर अप्लाई होने वाली एवरेज फोर्स कैलकुलेट करनी है इन टू मिली सेकेंड और फिर आपने एवरेज फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर बैग कैलकुलेट करनी है फॉर 45 क्योंकि ये का प्रोसेस है जिसमें एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में एक ह्यूज फोर्स अप्लाई हो रही है तो इस सिचुएशन को इम्पल्स के अंदर ऑब्जर्व किया था आपने अब आप इसमें जो फार्मूला यूज करेंगे वो है इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम अब यहां आपने एवरेज फोर्स को कैलकुलेट करना है तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी इम्पल्स किसके इक्वल होता है चेंज ऑफ मोमेंटम के सो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी आ गया डेल्टा पी क्या होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा अब इसमें आप कॉमन ले लें देवेंटी के जी वी एफ आपके पास है जीरो माइनस वी आई है आपके पास 20 और जो फर्स्ट केस में टाइम था वो था टू मिली सेकेंड मिली को आप लिखते हैं टेन टू पावर माइनस थ्री इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस फोर्टीन हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू मिली सेकेंड और ये आ जाएगा माइनस सेवन हंड्रेड इन टू टेन टू पावर थ्री न्यूटन अब इस एवरेज फोर्स को अगर आप लिखें इन फॉर्म ऑफ आंसर तो आप लिखेंगे जी पार्ट ए में जो आपके पास एवरेज फोर्स आई है ड्रेड इन टू टेन टू पावर थ्री न्यूटन टेन टू पावर थ्री को आप किलो भी कहते हैं तो ये आ जाएगा माइनस सेवन हंड्रेड किलो न्यूटन पास पार्ट ए का आंसर है फॉर एवरेज फोर्स अब सिमिलरली बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे और एवरेज फोर्स इन पार्ट बी कैलकुलेट करेंगे पार्ट बी में आपके पास अगेन एफ एवरेज किसके इक्वल होगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी यही वाला फार्मूला इसमें भी आपके पास जो डेल्टा पी है वो होगा एम एम वी वी एफ माइनस आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एम कॉमन ले लें और वैल्यू भी पुट कर दें सेवेंटी वी एफ अगेन जीरो माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टाइम था 45 मिली सेकेंड। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -31.1 10 टू पावर 3 न्यूटन सो एवरेज फोर्स जो अप्लाई होगी तो अगर आप इसको फर्दर वन डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो -3.11 10 टू पावर 4 न्यूटन हो जाएगा अगर आप इसको कंपेयर करें दोनों सिचुएशंस को तो ये है माइनस सेवन हंड्रेड किलो न्यूटन और ये है थर्टी वन किलो न्यूटन अब आप देखें किस केस में ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है फॉर द टाइम बिंग आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें ये है सेवन हंड्रेड किलो न्यूटन जो कि एक छोटे टाइम इंटरवल जो के था 2 मिली सेकेंड उसमें अप्लाई हो रही थी और ये है 31 वन किलो न्यूटन जो कि एक बिगर टाइम इंटरवल 45 फाइव मिली सेकेंड में अप्लाई हो रही थी सो so, ये वही बात है जो मैंने आपको इसके स्टार्ट में बताई कि अगर आपका टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाता है तो उस फोर्स का जो इफेक्ट है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलता है जिससे उसका इफेक्ट आपको कम नजर आता है और अगर वही फोर्स एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में अप्लाई हो तो उसका इफेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है सो so, इसीलिए कहते हैं कि सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी होती है ताकि आप एक स्ट्रांग इम्पैक्ट ऑफ फोर्स से अपने आप को बचा सकें सो डियर स्टूडेंट ये थे आज के फर्स्ट थ्री न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इसके जो रिमेनिंग फोर न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे टिल नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज़